दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां आपको चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक द्वीप देश है। एक दो द्वीपों का नहीं बल्कि पूरे 7000 से भी ज्यादा द्वीपों से बना है ये द्वीप देश। बहुत ही खास, बहुत ही खूबसूरत और हर तरफ आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आएंगी। इस देश का इतिहास और इस देश की संस्कृति दोनों ही जानने योग्य है। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जगह है इस देश में जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस सफर की जो जा रहा है फिलीपींस की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक बेहद ही खास देश है। ये देश लगभग 7641 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा यहाँ की आबादी है। फिलीपींस दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है दोस्तों। दोस्तों, अगर बात ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की जाए तो ये देश अपना बॉर्डर किसी भी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करता, बल्कि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तभी तो मैंने आपसे कहा ये एक द्वीप देश है। दोस्तों, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। दोस्तों, 16वीं सदी में स्पेन ने फिलीपींस पर कब्जा किया और अपने राजा फिलिप सेकंड के नाम पर इस देश का नाम रख दिया। स्पेनिश लोग ईसाई धर्म की रोमन कैथोलिक शाखा को मानते थे और उन्होंने फिलीपींस में इस शाखा को जोर शोर से प्रचारित किया, जिसकी वजह से आज फिलीपींस की 92 से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 1893 ईस्वी में फिलीपींस के लोगों ने स्पेनिश सरकार द्वारा उनके साथ किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध विद्रोह किया और 1898 में ये विद्रोह सफल हो गया और विद्रोही स्पेनिश सरकार को बाहर करने में सफल हो गए, यानी कि फिलीपींस को आजादी मिल गई। दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स भी आपको फिलीपींस में ही देखने को मिलेंगे। और हाँ, सबसे खास बात, नारियल और पपीते का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट फिलीपींस ही करता है। फिलीपींस का ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखियों से भी घिरा हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खनिज भंडार पाए जाते हैं। यानी प्रकृति ने इस देश को बहुत रिच बनाया है। और हाँ दोस्तों, फिलीपींस का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 8 घंटे आगे चलता है, यानी कि भारत के समय से लगभग 3.5 घंटे आगे। दोस्तों, फिलीपींस में कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ की सारी आबादी कभी हिंदू और बौद्ध धर्म को मानती थी। हालांकि अब वो ईसाई धर्म को मान रहे हैं, लेकिन इतिहास हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, फिलीपींस जितना खूबसूरत है, यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत खूबसूरत है। एक बात दोस्तों जो बहुत ही खास है वो ये कि फिलीपींस की लड़कियाँ सबसे ज्यादा भारतीय लड़कों को पसंद करती हैं। उनका मानना है कि वो सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ बिता देते हैं, ऐसे में वो उनकी पसंद में सबसे ऊपर होते हैं। दोस्तों, फिलीपींस के बारे में तो आपने बहुत कुछ जान लिया, चलिए इसके कुछ टूरिस्ट प्लेसेस भी चलते हैं और आपको कुछ एक्सप्लोर कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात बोराके की। फिलीपींस में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। बोराके द्वीप में 12 से अधिक समुद्री तट हैं। यही कारण है कि इसे फिलीपींस के समुद्री तट की राजधानी कहा जाता है। पश्चिम वियासत क्षेत्र में एक छोटा सा द्वीप समूह जो बेहद ही खूबसूरत है। धूप में आराम करने और पानी के खेल में काफी एंजॉय करने के लिए जगह परफेक्ट है। दोस्तों, फिलीपींस में सबसे खूबसूरत समुद्र तट अगर कहीं है तो यहीं पर है। यहाँ का बीच बहुत खास है जो द्वीप के पश्चिम की ओर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजियम मिल जाएंगे, साथ ही आपको कुछ ऐसी जगह भी मिल जाएंगी जहाँ आप आराम से कुछ समय बिता सकते हैं अपने लव वन के साथ। और हाँ, अगर भूख प्यास लगी हो तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए रेस्टोरेंट्स भी हैं, साथ ही खूबसूरत दृश्य, बेहतरीन पर्वत श्रृंखला और हाँ, एक ऐसा माहौल जो आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगा। इस देश ने दुनिया को बहुत खूबसूरती दी है। अब तक फिलीपींस ने 2 मिस यूनिवर्स, 5 मिस इंटरनेशनल और 1 मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सुंदरियों को विश्व को दिया। लेकिन दोस्तों, एक बात है जो इस देश के नेगेटिव जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, फिलीपींस मानव तस्करी के मामले में 4th नंबर पर आता है। यहाँ पर 15 से 30 वर्ष की उम्र की लगभग 400,000 लड़कियाँ और महिलाएं वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है बोहोल। बोहोल फिलीपींस के मध्य वियासत क्षेत्र में स्थित बोहोल द्वीप अपने अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है। बोहोल के समुद्री तट यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दाओ बीच और बिगेज बीच काफी लोकप्रिय रिजॉर्ट है। और हाँ दोस्तों, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है, ये जगह है बानुए। जी हाँ, बानुए ये फिलीपींस में एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। फिलीपींस में सबसे शानदार जगहों में बानुए राइस टेरेस शामिल है। इस क्षेत्र की छतें हरे भरी है जो कृषि का चमत्कार है। ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले भी कुछ छतों को इसी तरह से चट्टानों पर बसाया गया। चावल की खेती करने वाले स्वदेशी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए बानु जातीय गांव या हिवांग गांव के आसपास आप यात्रा कर सकते हैं। सनराइज छतों का सबसे अच्छा नजारा यहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि पर्वत से धुंधला और कोहरा छट जाता है और सूरज की रोशनी जब यहां पड़ती है तो यकीन मानिए ये नजारा आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों ये है मनीला। ये फिलीपींस में एक बेहद ही खास जगह है। लुजान द्वीप फिलीपींस की राजधानी मनीला पर है और मनीला के प्रमुख आकर्षणों का अगर आप भ्रमण कर रहे हैं, थोड़ा समय निकाल के आप इस जगह को भी देखिएगा। यहाँ आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। शहर के सबसे बड़े पार्क आपको यहीं मिलेंगे। दोस्तों ये है विगर। लुजोन क्षेत्र में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह उत्तरी फिलीपींस का एक प्राचीन शहर जिसका नाम है विगर। स्थानीय लोगों का चीनी और स्पैनिश प्रभाव इसकी संस्कृति में दिखता है। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ के कल्चर और इतिहास को जानकर हैरान रह जाएंगे। बेटे बेल चावल इस क्षेत्र का प्रसिद्ध माइलस्टोन है। ये क्षेत्र का सबसे अच्छा दृश्य है दोस्तों। आसानी से पुराने किले और बहुत सारी खूबसूरती आपको यहाँ दिखेंगी। सेंट पॉल मेट्रोपोलिट कैथेड्रल का आप दौरा कर सकते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों से बात कर सकते हैं, उनकी बातों को समझ के उनके कल्चर को जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब बात फिलीपींस की हो रही हो तो सेबू को कैसे भूल सकते हैं। ड्राइविंग और स्नॉकिंग के लिए फिलीपींस के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है सेबू द्वीप, जो विसायस क्षेत्र में स्थित है। अगर आप आर्किटेक्चर का आनंद लेना चाहते हैं, समुद्री कछुओं, मूंगा चट्टानों और व्हेल शार्क को देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं, तो आप यहां आ जाइए। सेबू में समुद्री गुफाओं के समुद्र के कुछ सबसे खूबसूरत दृश्य मिलते हैं। पायस और बाहरी उत्साही लोगों को ये जगह बहुत आकर्षित करती है। यहाँ आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आई होप दोस्तों फिलीपींस का ये सफर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।